एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर रेग्बे की R9 होम्योपैथिक कफ ड्रॉप के बारे में बात करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, सांस फूलने वाली खांसी हो, ब्रोंकाइटिस वाली खांसी हो, अस्थमा वाली खांसी हो, हर तरह की कंडीशन में दवा बहुत अच्छे से काम आती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊँगी कि कौन कौन से लक्षण मिलने पर आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं, इस दवा के इंग्रेडिएंट्स कंपोजिशन क्या है, इसकी डोजेस क्या ले सकते हैं, इसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं डॉक्टर रेग्बे के R9 कफ ड्रॉप्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है कफ यानी कि खांसी के लिए। खांसी की प्रॉब्लम जो होती है, अभी विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, चेंज ऑफ वेदर पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये तो अपने घर में जब आप रखेंगे तो आपकी जो खांसी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक रहेगी, किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दवा जो होती है बहुत ही अच्छे से काम करती है, जहाँ पे आपको खांसी होती है, चाहे वो सूखी खांसी हो, ड्राई कफ हो, या फिर एक्सपेक्टोरेशन वाली कफ हो, बलगम वाली कफ हो, तो उनमें बहुत अच्छे से दवा का रिजल्ट देखने को मिलता है। ये दवा जो होती है, जब भी आपको ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसकी वजह से आपको खांसी आती है, उसमें भी अच्छे से काम आती है। इसके अलावा अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, उसकी वजह से कफ रहता है, ट्रिकलिंग रहती है, स्पाज़मोटिक कफ होता है, या फिर ऊपिंग कफ होता है, उसका खांसी जैसा होता है, उन सारे केसेस में ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। अगर आपको कंटिन्यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको खांसी बनी रहती है, सूखी खांसी आती है, या फिर बलगम निकलता रहता है, कभी सुबह के टाइम ज़्यादा बलगम निकलता है, पूरे दिन आप ठीक रहते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि रात के टाइम आप जब लेटते हैं तभी आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, पूरे दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो इस तरह की अगर आपको खांसी रहती है तो उसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। ये दवा जो है बहुत ही एक्सीलेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनी है, जो दवाएं कफ यानी कि खांसी की प्रॉब्लम में बहुत ही यूजफुल होती हैं। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बेलाडोना, ब्रायनिया, कोकस, कोरेलियम, रूब्रम, यूप्रम, एसिटिकम, ड्रोसेरा, इपिकैक्स, स्पॉन्जिया, स्टिक्टा पल्मोनेरिया, थाइमस बल्गेरिस, ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूडेड हैं, जो कि हर तरह की खांसी में, स्पाज़मोटिक कफ हो गया, ऊपिंग कफ हो गया, नाइट कफ हो गया, इवनिंग कफ हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको कफ के साथ साथ एक्सपेक्टोरेशन नहीं हो पा रहा है, इसमें एक्सपेक्टोरेंट भी एडेड है, तो ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है हर तरह की खांसी के लिए, और इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही एक्सीलेंटली काम करते हैं। अगर इसकी डोजेस की बात करें तो इसकी डोजेस आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपको कफ की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, 10-10 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट होता है। प्राइजिंग की बात करें तो इसका जो 22 ml का पैक आता है वो आपको 270 rupees का मिलता है, किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथी के स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एज सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे बच्चों को देना चाह रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ लेना चाहती हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा को यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। R9 बहुत ही अच्छी दवा होती है, अपने घर में रखिए, यूज़ कीजिए, और इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन से किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।